चले स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? आंवला। और सर बोले नहीं आज की नमस्कार मित्रों, आज नहीं बोलूंगा, ऐसा ही मन कर रहा है। 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, उधर थक गया हूँ, तो आज नहीं बोलेंगे, आज इधर चले। नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे टॉपिक का शुरुआत जिसका नाम है आंवला, और ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। कौन सा है? सब ट्रॉपिकल। असर सब ट्रॉपिकल में क्या क्या पढ़ाए हो जरा एक बार बताना। बेर पढ़ा चुका हूँ, और क्या पढ़ा दिया हूँ? सिट्रस पढ़ा दिया हूँ। अब उधर क्या था सर? सारे वो ट्रॉपिकल थे। वो क्या थे? ट्रॉपिकल। टेम्परेट भी पढ़ा दूं भावेश? नहीं नहीं जाएगा अंदर, जाने दे, क्या दिक्कत। चलो आगे बढ़ जाता हूँ भाई। आज फिर क्वेश्चन करेंगे। आवाज सही आ रहे हैं? नहीं भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा अब एडजस्ट कर लो आप लोग थोड़ा थोड़ा आवाज। सर आपकी क्लास बहुत यूजफुल है मेरे जेआरएफ के लिए। जेआरएफ का पूरा नाम? जेआरएफ, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या नाम होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ तैयारी। पैसा कितने मिलते हैं? 11,000। उस समय हमें मिलता था 8,600, अभी 11,000 महीना। जेआरएफ करोगे, एसआरएफ करोगे, 32,000 रुपये महीना। 1,000 रुपया रोज के देते हैं, आराम से दारू पियो, बियर पियो, एकदम मस्त इंजॉय के लिए। पढ़ना उड़ना तो है नहीं, पागल है। शुरू में पढ़ लिया, फिर बाद में थोड़े मजे करना, एक बार मेहनत कर ले। ये कौन सी क्रॉप है बताओ? आंवला। शुरू के 5 मिनट आपको फिर वही बोरिंग चलेंगे। क्या क्या है बताओ? नाम। तो नाम क्या होगा? अम्बलिका ऑफिसनेलिस। इस पे चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, ये तो ऐसा ही कर दोगे। अब इसकी जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता हूँ। आंवला की अगर कहानी शुरू करे तो इसका फैमिली बताओ। फैमिली क्या होंगे? फैमिली होगा आपका U4BAC। क्या नाम है? U4BAC। सही, इंपॉर्टेंट है। U4BAC किसका होता है? बोलेगा कोई नहीं, किसका और होता है? ये होते हैं रतन जोत का। किसका होता है बताओ? और रतन जोत को अंग्रेज लोग क्या लिखा गया? जेट्रोपा। क्या बोलते हैं? इसी से बायोडीजल बनाया जाता है। किससे बायोडीजल बनते हैं? जेट्रोपा। और कोई U4BAC तेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं तो अरंडी। कौन है? लिखा हुआ होगा सार में, तुम पढ़ रही होगे अरंडी, उसके बाद तुम रुक जाओगे। और ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, कहीं कहीं मैं भी सीखता हूं इन लोगों से। U4BAC और किसका है? कुछ सोच, सब्जियों में U4BAC है? नहीं यार, इधर फलों में तो एक ही मिला, फूल में किसी का नहीं है U4BAC, तो कहीं नहीं, अपने यही काम का है। एक और लिख देते हैं, अरंडी रतन जोत आंवला, आंवला AONLA, आंवला। ये हो गया। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 28। उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन, तो ओरिजिन कहाँ है बताओ? कहाँ है? इंडिया। कहाँ है? अब इंडिया, ये लास्ट क्रॉप चल रहे हैं तो आपको सारा लिखना पड़ेगा इंडिया। किसका किसका और पढ़ चुके हो? बेर का कहाँ होता है? इंडिया। बेल का कहाँ होगा? इंडिया। हालसा कहाँ होंगे? इंडिया। जामुन, करौंदा लिख देता हूँ, करौंदा कहाँ होगा? इंडिया। अब कोई लड़का बोलेगा सर बेर को इंग्लिश में लिखो, तो वो गधा लड़का है। बेल इंग्लिश में लिखो तो ले, लिख दिया BAEL, बेल। करौंदा लिखो सर, करौंदा, करौंदा। हालसा लिख दो गुरुजी, हालसा। राम लिखो सर इंग्लिश में, राम। सोहन लिखो सर, सोहन। गधे, इसको हिंदी इंग्लिश। ऐसे आते हैं कमेंट कि सर वो फालसा ना हिंदी में लिख दिए थे आप, क्या करूं। बेर, फालसा, करौंदा, और कौन आएगा बताओ? जेट्रोपा का भी अगर पूछा जाए, जेट्रोपा, तो इसका भी क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया। लसुआ पूछा जाए तो क्या है? इंडिया। बता दिया, तो ये अंतिम बार रिवीजन हो गया, सबका हो गया इंडिया। अब आ जाते हैं इसका इंपॉर्टेंट, ये सब सारे लिखा हुआ है, इंडिया, भारत और दक्षिण एशिया, ये सब U4BAC 28 हो गए। अब आते हैं अगले स्लाइड। अगला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं फल प्रकार। क्या बोलोगे?
अंग्रेज लोग इसे क्या बोलेगा, फ्रूट टाइप, कि फल प्रकार। तो मैंने बताया था जो गोल गोल होते हैं कैसा होगा, गोल। अब आपको लगता होगा टमाटर गोल होते हैं, आलू गोल होता है, इन सबको डाल दो आप, नहीं, जितने से हमारे काम हो जाए। इसका फल प्रकार होगा कैप्सूल। कौन सा फल प्रकार? अगर ऑप्शन में रहा कैप्सूल तो कैप्सूल टिक कर देंगे, अगर ऑप्शन में रहा बेरी तो आप बेरी टिक कर दोगे। बेरी को कहते हैं सरस, क्या बोलते हैं? अगर ऑप्शन में रहा बोथ तो हम टिक क्या करेंगे, बोथ। पहला तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि सरस, कैप्सूल, बेरी, ऐसा रहे तो ऑप्शन आएगा बोथ। ये जो कैप्सूल है ये किसका रूपांतरण है? ये है मेरे दोस्त बेरी के रूपांतरण, यानी मॉडिफिकेशन किसका है बताओ, बेरी का। किसका है मॉडिफिकेशन? बेरी का। और इसी रूपांतरण को हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हो? कैप्सूल। जहां कैप्सूल शब्द आएगा ना तो वहां तुझे फ्रूट के अंदर बीज याद रखना पड़ेगा। फ्रूट के अंदर क्या याद रखना पड़ेगा बताओ? बीज। जैसे एक आंवला का फल लोगे, किसका फल है? आंवला का। किसका है ये? आंवला का। तो पूछेगा इसमें कितने बीज पाए जाते हैं, तो इसमें 5 से 6 सीड मिलेंगे। कितने सीड मिल जाएंगे? 5 से 6। यही प्रश्न आपको आएगा एक चुकंदर में। किसमें आएगा? चुकंदर में। चुकंदर के फल को बोलते हैं बॉल, क्या बोलते हैं? और इसको अंग्रेज वाले बोलेगा बीट, क्या बोलते हैं? बीट बोला तो चुकंदर, बीट रूट बोला हूं तो चुकंदर, बीट लीफ बोल दूं तो पालक, बीट लीफ पालक, बीट चुकंदर, बीट रूट चुकंदर। तो इसमें भी होते हैं सीड की संख्या 5 से 6, याद हो जाएंगे दोनों, तो ये याद रखना। अब किस किस में कैप्सूल होते हैं सर? तो ये होता है चुकंदर में कैप्सूल, क्योंकि इसके बाद आएगा नहीं, कैप्सूल पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद किस में होंगे कैप्सूल? सलजम में, जिसको हम टर्निप बोलते हैं, ये क्या है? बीट हो गया। और गोल गोल कौन है बताओ, किस में होंगे? एक आंवला हो गया यहाँ इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होगा? कैप्सूल। अ से आंवला, अ से अफीम हो गया, इसमें क्या हो गया? कैप्सूल। अफीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपियम। क्या बोलते हो? ओपियम। और दूसरा नाम और हो जाएगा कपास, गोल गोल होता है इसका बॉल, यानी कॉटन की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? कैप्सूल। एक और इम्पोर्टेंट बात करूं, धथुरा की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। उसके बाद अरंडी गोल होता है, तो अरंडी की बात करें केस्टर्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? कैप्सूल। अभी आपने सेम फैमिली बोला था रतन जोत, क्या बोला? रतन जोत, जिसको हम जेट्रोपा के नाम से जानते हैं, इसका भी फल प्रकार क्या होगा? कैप्सूल। एक भिंडी की बात करें, ये लंबा वाला कैप्सूल है, कौन है? ओकरा, तो ये भी क्या हो गया? कैप्सूल। एक और बच रहे हैं, सिसमम, मैंने बोला एक और, तिल, तो ये 10 कैप्सूल आपके पास लिखा हुआ है सिसमम। इसके भी फल प्रकार क्या होंगे? कैप्सूल। चले आगे, तो ये हो गया सब कैप्सूल, कैप्सूल की कहानी समाप्त। अब फल प्रकार के बाद आ जाते हैं इसका हम पोलिनेशन पे, परागन पे। किसकी बात करेंगे? परागन, यानी कि पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन जो होता है, परागन, ये होते हैं किसके द्वारा? हवा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा, एयर द्वारा। और हवा के द्वारा जो होता है इसे हम कहते हैं, सॉरी, एनीमो, ANEMOPHILLY, एनीमोफिली। क्या बोलोगे? अगर हवा के द्वारा हो तो क्या बोलोगे? एनीमोफिली। अब ये किस किस में हवा के द्वारा होता है, पहले बता चुका हूं। आंवला में किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा। अनार में किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा। अनार को क्या बोलते हो? पोमग्रेनेट। क्या बोलोगे? पोमग्रेनेट। खजूर में किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? डेट। उसके बाद और किस में हवा के द्वारा? चौलाई की अगर बात करें, चौलाई, तो इसमें भी होता है हवा के द्वारा, इसे कहते हैं एमारेंथस। क्या बोलते हो? एमारेंथस। अगर चुकंदर, च से, देखो मैं एक जैसा लिखता हूँ जान के, ताकि आपको ना हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रिक
मिल जाए काम काम का। चौलाई, चुकंदर, इन सब में किसके द्वारा? हवा के द्वारा। अगर पपीता की बात करूं तो इसमें भी किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त? हवा के द्वारा। अभी जो ये हवा के द्वारा हो गया, परागण हो गया हवा के द्वारा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है पोलिनेशन में कि ये जो पोलिनाइजर, अच्छा एक पॉइंट बताओ, पोलिनाइजर शब्द सुना है कभी? पोलिनाइजर ये बहुत जगह आते हैं पर तुझे पढ़ाया नहीं कभी। पोलिनाइजर का मतलब क्या होता है? पोलिनाइजर कि ये जो वैरायटी है ना, इसका उपयोग करते हैं एज ए पोलिनाइजर। नाम से ही पता लग रहा होगा, ऐसी वैरायटी, ऐसी किस्म जो क्या करता है बताओ? जो पोलन ग्रेन बनाता तो सब है, जिसका पोलन ग्रेन, ऐसी किस्म जो पोलन ग्रेन उत्पन्न करते हैं, यानी जिसका पोलन ग्रेन हम उपयोग लेते हैं, उपयोग में लिए, जैसे ये बाग है। अब इस बाग में बहुत सारे नर फूल पेड़ है, ऐसा तो कौन सा ऐसा वैरायटी लगा दूं जो सबको पोलिनेशन कर दे, ये वाले? तो ये जो वैरायटी लगाया हूं इसे हम बोलेंगे पोलिनाइजर वैरायटी। अब समझ गया ये कैसा है बताओ? पोलिनाइजर। अरे भाई अब युवराज से समझ में आया? युवराज एक भैंसा है, बाकी गाय खूब है, 1000 गाय, एक अकेला युवराज। हाँ हाँ, तो ये कैसा है? पोलिनाइजर। तो ये पोलिनाइजर। अब आप आ जाओ पोलिनेशन के बाद अगला पॉइंट बनेगा अपना पुष्प क्रम पे, एकदम सब क्रॉप में एक जैसा पुष्प क्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरोसेंस। क्या बोलोगे? इनफ्लोरोसेंस, फूलों का क्रम। तो फूलों का क्रम होता है इसमें रेसिमोज। क्या होता है बता? रेसिमोज। ये याद उद मत करना, रेसिमोज, ये तो पढ़ा देता हूं मैं ऐसा ही। रेसिमोज किसे कहते हैं? रेसिमोज, इधर बड़ा फूल, इधर बड़ा फूल, इधर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये कैसा फूल है? रेसिमोज। रेसिमोज में बड़े फूल कहाँ होते हैं? ओल्डर फ्लावर नीचे, यंगर फ्लावर नया फूल, यंग ब्रदर है गुरु जी, यंग का मतलब छोटा भाई है, ओल्डर बोलते हैं इल्डर ब्रदर, तो वो कहाँ है? बड़का भाई है। तो ये बड़का भाई पुष्प क्रम हो गया। अब आ जाते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या आएगा? खाने योग भाग। कौन सा भाग? खाने योग भाग। कौन सा भाग खाते हो बताओ? आंवला का? कोई नहीं जानता होगा, एडिबल पार्ट। कौन सा भाग खाते हो? तो आंवला का हम खाते हैं मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। कौन कौन खाओगे? मीजो और एंडो। और ये आपके एग्जाम में इस साल आया था। और किसका खाते हैं ये? केला का। किसका खाओगे? केला का। और इधर कौन है बताओ? आंवला, जिसका हम क्या खाते हैं? मीजो और एंडो। क्या खाओगे? मीजो और एंडो। तो खाने योग भाग हो गए। अब हम चलते हैं इसके जनरल टॉपिक पे, जहां से बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होने वाले हैं? बीएससी एग्रीकल्चर। पहले इतना मिला लेता हूं कि कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, अच्छा बडिंग वुडिंग बचा हुआ है, जनरल टॉपिक पहले करता हूं, छूट जाते हैं कितना भी, इसीलिए स्लाइड लाना पड़ता है। प्रोपागेशन अगला टॉपिक क्या है? प्रोपागेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रवर्धन। तो प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? इसमें पैच बडिंग। किसके द्वारा? पैच बडिंग। अच्छा एक ट्रिक मैंने आपको बहुत अच्छा दिया था कि ये बडिंग का प्रश्न अगर आ जाए किस में? सब ट्रॉपिकल। कौन सा है? सब ट्रॉपिकल। और कौन सा फूल? ट्रॉपिकल। कौन सा प्लांट? फूल नहीं, प्लांट। सब ट्रॉपिकल समशीतोष्ण। और किसकी चर्चा किया? शीतोष्ण की। शीतोष्ण नहीं, उष्ण की। किसकी है? उष्ण की। इन दोनों में जो टाइम रखते हैं बडिंग टाइम, वो मैंने आपको बताया था वर्षा ऋतु। कौन सा ऋतु? वर्षा। जून जुलाई अगस्त तक भी जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? अगस्त तक। तो ये पैच वडिंग का टाइम हो गया। अच्छा बताओ अगर आपके एग्जाम में आता कि गुरुजी मुझे और बता दो बेर में कब टाइम होगा, तो भी आप क्या करोगे बताओ? जून जुलाई बडिंग टाइम। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लेता टेम्परेट फ्रूट का, कौन सा फ्रूट का? टेम्परेट, जो कहां होते हैं? ठंडे प्रदेश में।
जिसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण फल। इसमें पूछता बडिंग टाइम, कौन सी टाइम, बी टाइम। बी टाइम का मतलब बडिंग टाइम, सेब नाशपाती इन सब का। तो आंसर जाता दिसंबर और जनवरी। कौन जाता दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी माने ठंडे में करते हैं इन सब का, और इन सब को करते हैं वर्षा ऋतु में। कब करते हैं, वर्षा ऋतु। तो ये पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं इसका जनरल में। बताओ आंवला की हार्वेस्टिंग कब करोगे, हार्वेस्टिंग कब करेंगे। आंवला की अगर कटाई की बात किया जाए तो ये कटाई कब करते हैं आंवला, बताओ खेत उत में कब देखते हो कि ये आंवला आ जाएंगे। आंवला कभी नहीं देखे हो, आंवला कब आते हैं बताओ। ये आएंगे दिसंबर से लेकर कब, जनवरी के बीच। अब इसमें एक सिस्टम आएगा, एक प्रश्न और बनेगा, ट्रेनिंग। आंवला में क्या करोगे, ट्रेनिंग। तो मैंने बताया था ट्रेनिंग व्रेनिंग का आंसर क्या जाएगा इसका, फरवरी और मार्च। दो तीन बार लिख चुका हूं मैं। और इसमें कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड लीडर, लीडर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये क्या होता है अभी समझा दूंगा, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। चलो नोट कर दिया। बताओ जलवायु क्या होंगे, क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल। मृदा कैसी होगी, गर्मियों में होते हैं इसलिए पीएच इसका देखो कहां से जा रहा है, 6.5 से लेकर 9.5 के बीच। प्रोपगेशन किसके द्वारा करोगे, पैच बडिंग। और ये प्रोपगेशन फरवरी मार्च में। स्पेसिंग की बात करें तो, स्पेसिंग की बात करें तो कितना है इसका, 8x8 कितने है। तो इसके ना दो समय होते हैं, एक इधर भी लिख सकते हो, वर्षा में भी करते हैं जून, और ये टाइम आएगा नहीं तो चेक कभी। और ऐसे मैंने आपको क्या बोला था, आंवला का कोई प्रश्न आए ना तो ज्यादा चांसेज रखना कौन टिक करने का, फरवरी और मार्च। अरे वसंत ऋतु में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, वो तो सेम सेम कहीं कहीं रखते हैं। तो जून जुलाई और फरवरी और मार्च, ये है पैच बडिंग। ये कौन सा बडिंग है, पैच बडिंग। कुछ नहीं होते हैं, टी बडिंग कैसा होता है बताओ। अगर ये बड जो है कली, ये कैसा है, टी जैसा, तो टी बडिंग। अंगूठी जैसा, रिंग, रिंग बडिंग। पैच देखो ये ऐसा छल्ला निकाला है, ऐसा वाला छल्ला, ये क्या है, पैच। और मोबाइल ये देख ऐसा है ना पैच, अब याद रहेंगे। चिप किसे कहते हैं, मोबाइल का चिप देखो, पैच और चिप में ज्यादा अंतर नहीं है, ये छोटका वाला चिप। तो ये क्या है, चिप। अब ये पैच किस में होते हैं बताओ, ये होते हैं आंवला में। चिप किस में होता है, ये होते हैं अंगूर में। रिंग किस में होता है, ये होता है बेर में। और ये किस में होते हैं, संतरा मौसमी बेर गुलाब, संतरा मौसमी बेर गुलाब। वहां कौन होता है, टी बडिंग। कौन सी बडिंग है, टी बडिंग। तो हो गया खत्म, पीछे वाले भी कहानी एंजॉय करते रहो। उपनाम बहुत अच्छा, देखो ये छूट गए थे ना, उपनाम क्या है जरा देखता हूं। उपनाम है ये, डीआरडीओ का एग्जाम एक बार दिया था मैं 2017 में 16 में, डीआरडीओ। ये जो डिफेंस है ना उसमें भी आते थे एग्रीकल्चर के पोस्ट, तीन पोस्ट मेंस लिख के आया हूं इसका। पूरी भारत में तीन पोस्ट थे, इंटरव्यू में बाहर किया मैं, 17 लड़का हम गए थे उसमें तीन का चयन था इंटरव्यू में बाहर, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ में भारतीय गूजबेरी, इसको कहते हैं इंडियन गूजबेरी। क्या बोलते हो बताओ, इंडियन गूजबेरी, गूजबेरी, मायोरबलन और मलान का पौधा, ये तीनों ऑप्शन थे। तब से मैं ये नाम लिखने लगा, ऐसे मैं लिखता ही नहीं था। केवल लोग जानते हैं आंवला को कहते हैं इंडियन गूजबेरी, यही जानते हैं। आंवला का नाम क्या है, इंडियन गूजबेरी, बस इतना ही कॉमन चीज जानते हैं। पर ये तीनों अब और जोड़ रहा हूं, इसे अमृत फल के नाम से जानते हो, अमृत फल। अगर आपसे पूछा जाए अमृत किसकी वैरायटी है, आंवला की। अमृत फल किसे कहते हैं, आंवला को। त्रिफला किससे बनाई जाती है, आंवला से। तो ये सब जनरल एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछते हैं, त्रिफला किससे बनाया जाता है, आंवला से। अमृत किसकी वैरायटी है, आंवला की। अमृत फल किसे कहते हैं, आंवला को। अब आते हैं फ्रूट ऑफ 21 सेंचुरी। एक कॉपी रखो और छोटा छोटा, जैसे हमें भी देखते रहे हो,
नीचे भी चलते रहो, हमें भी देखो नीचे भी चलो। तो ये एक पढ़ने का बड़ा अच्छा जरिया है। केवल हमें देखने से भी तुझे कुछ नहीं होगा, केवल कॉपी को भी देखोगे तो कुछ नहीं करो, दोनों चलते रहना चाहिए। 21वीं सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का फल किसे कहा जाता है? आंवला को। इसलिए रामदेव बाबा 21वीं शताब्दी में बहुत जोर देते हैं आंवला कल्टीवेशन। किसका खेती करो? आंवला। क्या बोलते हैं? तुम खेती करो, हम आके उसका उत्पादन ले जाएंगे। तो 21वीं शताब्दी के कौन सा है? ये तो 22वीं शताब्दी चल रहे हैं कि 23वीं है? 21वीं है। 21वीं का कौन है? आंवला। कौन है? आंवला। फल प्रकार पढ़ा चुका हूं, थाने योग भाग करा दिया, तो ये हो गए, टिक कर दो, चले आगे बढ़ जाएं। एक रह रहे कहां? ये तो 2-3 घंटे का है, ये देखने में लगता है, देखा ऐसा ही टीचर निकल जाता है। स्पोरोफाइटिक पाई जाती है, हमारे जैसा बच्चा ऐसे बैठा रहेगा, पूछेगा गुरुजी क्या है स्पोरोफाइटिक, पूछ लेता ना। हर बातें स्पष्ट समझ में आनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्टडी, नहीं तो फिर क्या मतलब। क्या है स्पोरोफाइटिक बताओ, पढ़ाऊं या छोड़ दूं? ऐसा ही केवल याद कर ले, अ से आंवला, अ से आम, इसमें पाया जाता है स्पोरोफाइटिक। याद तो मैं तुरंत करा देता हूं, अ से आम, अ से आंवला, और बेर में और कोल क्रॉप में पाई जाती है गेमेटोफाइटिक। इतना ही हमारे होटी में काम आते हैं। क्या क्या मैंने बोल दिया बताओ? एस आई दो तरह के होते हैं, एक का नाम है गेमेटोफाइटिक और एक का नाम है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक एसआई जोड़ना है और यहां जोड़ना है गेमेटोफाइटिक एसआई। ये गेमेटोफाइटिक पाया जाता है किसमें? बेर में, और किसमें? कोल क्रॉप में, और में पाए जाते हैं पर अपने काम का नहीं। इधर अ से आम, ब्रीडिंग में पूरा लिख दूंगा, अ से आम, अ से आंवला, क्योंकि तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे फिर फालतू का। अब गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, ज्यादा अच्छा हम कहानी ये ब्रीडिंग में समझेंगे, अभी इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं, केवल ये समझ लेते हैं एसआई पढ़ाया हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ इन कॉम पे टा वी ली टी, हिंदी में स्व अ नी से च त ता। बड़ा मुश्किल से याद किया हूं, वो भी मुझे गलत ही लग रहे हैं हिंदी वाले, इंग्लिश में तो नहीं गलत करोगे। क्या है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या होते हैं सेल्फ? एस आई का मतलब है, देखो, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मैंने लिखा था सेल्फ का मतलब स्वयं, इनकम्पटेबल, इन का मतलब पापा को फोन कर रही है लड़की, पापा क्या हुआ बिटिया, जहां शादी किए हो ना कंफर्टेबल नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं है, पापा को टेंशन हुआ, क्या हुआ बिटिया, यहाँ रोटियां ज्यादा बनाना पड़ रहा है, कितना 80 रोटी बनाती हूँ। आपस में स्वयं में कंफर्टेबल नहीं है, स्वयं में कंफर्टेबल नहीं है। देखो ये फूल ये सिखाता है, ये फूल है, यहाँ क्या है? ये मादा वाले पार्ट है, ये क्या है? नर है। इसका पोलन ग्रेन पराग कण का जीनोटाइप बता चुका हूँ, S1 S2। तो बताओ इस स्टिग्मा का भी जीनोटाइप, प्लांट एक ही है तो इसका भी जीनोटाइप क्या होगा? S1 S1, ठीक है जीनोटाइप। अब जैसे इसका अपना घर का पराग कण इस मादा के पास पहुंचेगा तो ये लड़की मना कर देगी, ना तुझे ग्रहण नहीं होने दूंगी, एकदम नहीं। ये है क्या? एसआई, आपस में ही कंफर्टेबल नहीं। यहां दूसरा फूल, ये बड़ा सा फूल, ये मादा, इसके बगल में ये वाले नर, देखो इसका जीनोटाइप S2 S3, दूसरे खेत में लगा हुआ था, दूसरी वैरायटी कोई हो सकता है। हर वैरायटी का जीनोटाइप क्या होंगे?
अलग अलग, जैसे मैं हूँ, मालव है, कोई भी लड़का ले ले, सबका जीनोटाइप क्या है, अलग अलग, सेम नहीं है। सेम होता तो सब मेरे जैसा होता, तो इसे क्लोन कहते हैं। क्या बोलोगे? क्लोन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोपगेशन होते हैं, उसमें देखा होगा सब प्लांट एक जैसा, एक जैसा, तो उसका अंदर भी एक जैसा, बाहर भी दिखेगा एक जैसा, तो बाहर वाले को फिनोटाइप और अंदर वाले को जीनोटाइप, तो उसका जीनोटाइप भी एक और फिनोटाइप भी एक। अरे मैं जो दिख रहा हूं ये है फिनोटाइप, लेकिन मेरे अंदर में कौन सा जीन मुझे काला किया वो है जीनोटाइप, कौन सा जीन मुझे थोड़ा लंबा बना दिया ये है जीनोटाइप, लेकिन मैं लंबा हूं ये है फिनोटाइप। ये क्या है? मेरे बाल पक रहे हैं, ये है फिनोटाइप। कौन जीन पका रहा है? इसको चंडाल को पकड़ और उसको नियंत्रित कर। अरे अरे पागल, आजकल बाल बच्चे में पका रहा है। 4 साल 5 साल का बच्चा होता है, देखा होगा गांव में, 5-5 साल के बच्चे के बाल पकने लगते हैं। उस जीन को पकड़, उस जीन को चेंज कर। अरे भाई ऐसा नहीं करना है तेरे को। ये है जीनोटाइप। अब ब्रीडिंग मचाऊंगा, ब्रीडिंग और मजा दूंगा। रे ये क्या है? S2 S3, इसका जीनोटाइप है, इसका जीनोटाइप है। अब इसका पोलन ग्रेन, ये पीला वाले बना देता हूं, इसका पीला वाले पोलन ग्रेन इसके पास पहुंचा उड़ता हुआ ऐसी हवा में, कि चलता हूं आज देखता हूं कहीं रस निकल रहे हैं कहीं। ये स्टिग्मा ना, गधेड़े यहां आ जा रहे। फूल को तुम छोड़ते नहीं हो, कीट को छोड़ते नहीं हो, सब में गधा तू वही रहेगा। ये देख, इस मादा वाले भाग से चिपचिपा पदार्थ निकल रहे थे, तो ये पराग कण ऐसे उड़ता हुआ गया, बोल अरे अरे वहां चिपचिपा निकल रहा है, चल जाके देखता हूं। तो ये यहां आके पोलन ग्रेन देखेगा, तो देखेगा तो ये मादा पहचान जाएगी, अरे अपना घर वाला तो नहीं हो, नहीं 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 बाहर से आया है, बाहर से S2 S3 लेके। तो बोलेगा जल्दी आओ जल्दी आओ, अंदर आ जाओ। अंदर आया, अंदर आया, अब ये अंदर मिलेगा। ये मिलने की क्रिया, मिल गया भाई साहब, मिलने की क्रिया फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? हिंदी वाले क्या बोलोगे? निषेचन। बस इतना ही, इसके अंदर नहीं जाना है अभी, निषेचन हो गया। तो बताओ SI क्या है? SI क्या है गांव की भाषा में? किसी फूल में नर मादा दोनों पाए जाते हैं, तो अपने ही फूल के पराग कण को मादा ग्रहण नहीं करती है, यानी निषेचन की क्रिया नहीं होंगे। अगर अपना वाला होता तो स्वपरागन होता। तो क्या ये पूछे SI किसको बढ़ावा देते हैं? तो SI बढ़ावा देता है पर परागन को। किसको बढ़ावा देता है? पर परागन को बढ़ावा देगा, यानी क्रॉस पोलिनेशन को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि SI मेल स्टरिलिटी ये सब किसको बढ़ावा देगा? SI। तो बताओ अब मेरे जो काम की चीज थी क्या थी? ये वाले पॉइंट, ये वाले। तो दो तरह के होते हैं, एक में अंदर की मामला देखेंगे जिसको गैमेटोफाइट, एक पोलन ग्रेन के बाहर के भाग देखोगे जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। अपने डिटेल नहीं पढ़ना है। तो गैमेटोफाइट किसमें पाया जाता है? बेर में। तो देखो बेर को देख के अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसको रटने की जरूरत नहीं, बोल देगा बेर सेल्फ पोलिनेशन है या क्रॉस? क्रॉस है, क्योंकि होता क्या है? SI। कोल क्रॉप क्या है? सेल्फ या क्रॉस? क्रॉस है, क्योंकि होता क्या है? SI। SI क्या है गुरुजी? अपने घर वाले पराग कण को आने नहीं देगा, तो कहां से आएंगे पोलन ग्रेन? बाहर से आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? SI। आम क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। आमला क्या है? हो गया, एक ही बार तो टाइम लगा 5 मिनट कहानी बनाने में, पर ये फिट हो गए माल, अब तुझे मेमोरी से कोई नहीं निकाल सकता, खिसका नहीं सकते हैं पागल, फिट। आगे बढ़ जाओ, ये तो सब करा चुका हूं। क्या है रे, तुम खुद पढ़ सकते हो। यह नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, आमला को खाया कड़वा लगा, कैसा हो गया? नॉन क्लाइमेट्रिक। अनार को खाया दाना कड़वा लग गया, कैसा हो गया? नॉन क्लाइमेट्रिक। नींबू को खाया आह खट्टा है सर, नॉन क्लाइमेट्रिक। सेब दिया आह मीठा है गुरुजी, क्लाइमेट्रिक। केला क्लाइमेट्रिक। काजू क्या है? फिर भी तुझे फंसा दूंगा, काजू नॉन क्लाइमेट्रिक। काजू क्या है? कैसे समझे काजू तो मीठा लगते हैं, मीठा नहीं लगते हैं? काजू मीठा नहीं लगता है? काजू कैसा लगता है रे पागल, तो हम गलत काजू तो नहीं खा गया? हमें तो मीठा लगा था रे, गरीब आदमी हूं भाई,
गलत तो नहीं खा लिया ऐसा? कहीं ऐसा नहीं कि काजू में एस्परजिलस वो कवक लगे रहते हैं, वो कवक एक केमिकल सिक्रीट करता है एफ्लाटॉक्सिन, जो बादाम में देखते होंगे, चिनिया बादाम, मूंगफली में, कई कई मूंगफली में देखा होगा जाली नुमा बने रहते हैं, उसको खा जाओ तो खट्टा लगेगा, खट्टा, तो वो कवक है। वो कौन सा है, कौन सा केमिकल खा गया? एफ्लाटॉक्सिन, जो किसने सिक्रीट किया था? कवक। मुझे लगता है शायद वैसा काजू खा गया होगा मैं, मेरे तो मीठा लगा था फटाफट मीठा। लेकिन इसका दूसरा ट्रिक है, इसकी आयु ज्यादा होते हैं, आप याद रखना केवल काजू पे अपना ट्रिक काम नहीं करता है, आप लोग सही किए हो, सारे नॉन क्लाइमेट्रिक है। काजू क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी नॉन क्लाइमेट्रिक। स्ट्रॉबेरी क्या है? तो इसमें तो हमें कोई गलत करवा ही नहीं सकता, ये अपना पेटेंट बन गया। पाला हानिकारक, अब आऊं इस पे, करवा चुका हूं पाला, याद आ गया, सबको आइसक्रीम खिलाया था और जिसके दांत में खोंदड़ होंगे याद आया, जिसके दांत में गड्ढा होगा उसको आइसक्रीम खिला, बोले आज के बाद नहीं खाऊंगा। सबको ठंडा लगते हैं पर जिसमें गड्ढे होंगे उसको ज्यादा ठंडा लगा। अरे सबको ठंडा लगता है पाला, ऐसा थोड़े आम को पाला नहीं लगते हैं, बेर को पाला नहीं लगेगा, केला को पाला नहीं लगते हैं, पपीता को नहीं लगता है, चीकू को नहीं लगता है, नींबू को नहीं लगेगा, किसको ठंडा नहीं लगेगा बताओ? सबको लगेंगे। तो अगर आप ब्रॉड बनोगे ना तो सबको ठंडा लगते हैं गुरुजी, पर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में करेंगे ज्यादा ठंड किसको लगेगा ऐसा ककड़ के रहेगा? पपीता। और कौन रहेगा? आंवला। जैसे आपने देखा होगा एक लड़का है, ये सर सब में लड़का लड़की कितने कहानी है आपके पास गुरुजी, अनंत है रे पागल। एक लड़का है, ये गर्ल्स और एक बॉय, आप समझना एक दादा है, ये दादा लड़का दादा ही बनेगा और ये क्या है? दादी। अब इन दोनों में देखो, गांव में तुम अब गांव चले जाओ, गांव में देखा होगा ठंड में ज्यादा फुदक फुदक के काम कौन कर रही होगी? दादी। लड़के को ठंड ज्यादा लगता है ड्यू टू, अब आता हूं कहां, वसा के कारण। जो ज्यादा जिसमें वसा कम होंगे, जो वसा है, जैसे आपने वसा, अरे सर वसा से याद आ गया लेदर, लेदर वाला कोट पहनते हैं गुरुजी, किसके लिए? ठंड को रोकने के लिए। यानी जिसके शरीर में वसा ज्यादा होगा उसको ठंड कम लगेंगे, उसको ठंड क्या लगेगा? और जिसमें देखता होगा अंकल उंकल ऐसे कुकड़ जाते हैं एकदम पतरका दमिया, तो उसमें वसा कम है। वसा का दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, भी क्या करता है शरीर को? प्रोटेक्शन। तो इसलिए लड़की उड़की देखता होगा इसको वसा वसा भरी रहती है चारों तरफ से, तो इसको ठंड कम लगते हैं। ठंड क्या लगते हैं? कम। हम लोग को ठंड थोड़ा ज्यादा लगता है। अगला आ जाता हूं, लवण सहनशील। अरे सर ये लिखो, इंग्लिश में नहीं लिखे हो सर, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट सेंसिटिव। फ्रॉस्ट सेंसिटिव कौन है? पपीता और आंवला। कौन है? अब आ जाता हूं सॉल्ट टॉलरेंस, सॉल्ट टॉलरेंस। तो ये चीजें करवा चुका हूं, कुछ नहीं है, जनरल जनरल रिवीजन करवा रहा हूं मान ले तो। सॉल्ट टॉलरेंस, सॉल्ट टॉलरेंस को बोलते हैं लवण सहनशील। लवण सहनशील, लवण कब विकसित होगा, किस क्षेत्र में विकसित होगा? जहां वर्षा क्या हो गुरुजी? ज्यादा। रेनफॉल क्या होता है? ज्यादा। और तापमान क्या हो? सॉरी तो रोका भी तो तुम लोग नहीं। रेनफॉल क्या है? कम। और तापमान क्या होता है? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा। और ये देखने को कहां मिलते हैं? राजस्थान। और राजस्थान की मिट्टी कैसी होती है? सॉल्ट। कैसा होगा? अब यहां होने वाले सारे फसल कौन कौन है बताओ? आमला। सबसे ज्यादा सॉल्ट टॉलरेंस होता है कौन? खजूर। एग्जाम में पूछ लेंगे, जिसको गर्मी में मजा आएगा, जितना गर्मी ऐसे सूर्य लाके दे देगा खजूर बोलेगा मजा आ रहा है। किसको? खजूर को। आमला भी थोड़ा मजा करता है, और मजा कौन कर लेगा? अनार। ये सब सारे। और करौंदा कोई दिक्कत नहीं, फालसा कोई दिक्कत नहीं, सिट्रस कोई दिक्कत नहीं, अमरूद लगाओ राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं। इन सब सारे होते हैं सॉल्ट के प्रति टॉलरेंस। हाँ एक बेर रख लो, बेर भी कहाँ हो रहे हैं? राजस्थान। बेर कहाँ हो रहे हैं? ये सब होते हैं सॉल्ट टॉलरेंस। कैसा होगा? सॉल्ट टॉलरेंस। तो काम खत्म, सॉल्ट टॉलरेंस समझ गया। आमले में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? बारबेडस चेरी। उसके बाद कौन है? आमला। उसके बाद कौन है? अमरूद। उसके बाद कौन है? नींबू।
उसके बाद कौन है, टमाटर में पाया जाता है सर? हाँ पाया जाते हैं। अच्छा दो क्वेश्चन बनते हैं टमाटर और मिर्च में, मैंने बता दिया। मिर्च को खाते हो तो सीसी की आवाज आती है, विटामिन सी, और टमाटर में होता है विटामिन ए, टमाटर में विटामिन ए। हालांकि आपके एग्जाम में पूछा था टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा, एस्कॉर्बिक, जो किसका नाम है, विटामिन सी का। इसका मतलब टमाटर में विटामिन सी भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अगर दोनों ऑप्शन रहता विटामिन सी और विटामिन ए और बोथ, तो टिक करेंगे क्या? बोथ। लेकिन अगर टमाटर में पूछे टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन ए, कौन सा विटामिन, और मिर्च में विटामिन सी। चलो अब आमला में पुष्पन, मैंने बता दिया कोई भी शब्द आ जाए आमला का, फरवरी और मार्च कहां जाएगा? फरवरी मार्च। दिमाग लगाना ही मत, क्योंकि दिमाग है ही नहीं तेरे पास। अगला मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, बता चुका हूं कौन सा सिस्टम अपनाओगे, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये बताओ, खुला पेड़, ओपन, इधर आ जाओ, ये सेंटर, सेंटर तना को ही रखा केवल, साइड साइड वाला खच खच काट दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल। अब दोनों रखा, बीच वाले भी और ऐसे खुला, इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड। क्या बोलते हैं? तो जनरली अगर एग्जाम में आ जाए ट्रेनिंग सिस्टम, तो आप कौन सा टिक करोगे? मॉडिफाइड। कभी भी आ जाए क्या टिक करेंगे? मॉडिफाइड, ठीक है। चलो बाबा अब इसमें ना एक और प्रश्न बता देता हूं, मेरे दिमाग में आ गया। इसमें जो ट्रेनिंग अपनाते हैं ना आमला में, वो बहुतना या एकल तना? आमला कभी काटे हो? आमला को काटने गया, अनार को कभी काटा है? तो अनार में आपको ट्रेनिंग सिस्टम हमने बताया था, जो जेआरएफ का क्वेश्चन था, मल्टी स्टेम, क्या बताया था बताओ? तो अनार में जाते हैं ना, तो खचखचा के सारे डाली को काट के आ जाते हैं, लोग काट दिया। लेकिन आमला का पेड़ तो दूर दूर डाली होते हैं ना, दूर दूर। तो इसमें हम करते हैं सिंगल स्टेम। कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं बताओ? अनार में कौन सा? बहुतना, इसको बोलते हैं एकल तना, एक एक तना काटना है। कौन कौन तना? एकल। और यहां कौन सा तना? बहुतना। तो बताओ बहुतना किसमें अपनाते हैं? अनार में। एकल तना किसमें? आमला में। एकल तना आमला, बहुतना किसमें? अनार। ये हो गए आपके ट्रेनिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जो आपको लगता है अरे सर ये सारे कवर करवा दिए हो, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। आमला कंटेन कितने सीड करेगा? मैंने अभी बता दिया 5 से 6 बीज रखेंगे। कितने बीज रखेगा? 5 से 6। इनफ्लोरोसेंस मैंने बता दिया, पुष्पक्रम क्या होगा? रेसिमोज। ये तो लिख के लाता हूं कि कभी भूल जाऊं कोई शब्द तो आपको नुकसान ना हो। हम ऐसा टीचर बनने की कोशिश करूं कि हम कुछ लिख के नहीं लाते हैं, और 5-7 पॉइंट तुझे पढ़ाऊं नहीं, और वो एग्जाम में आ जाए, तो नुकसान हो जाएंगे ना आपको। सब चीज थोड़े यार फिट है कि इसके बाद ये पढ़ाना है। अभी उधर आरएस का बैच लेके आया, उधर फिजिक्स पढ़ाया हूँ, इधर हॉर्टिकल्चर पढ़ाना है, फिर शाम को इन लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाना है, फिर कुछ और पढ़ाना है, कितना याद रखूं, फिर किसका, किसने फी नहीं दिया वो याद करना है, तो भूल जाता। एडिबल पोर्शन क्या है? मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो ये चल आज नहीं बोलूंगा। एक विकार याद रखना, लिंब ब्रेकेज, क्या है बताओ? लिंब, ये हम विकार वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए याद रख लेना। आमला में एक विकार है जिसका नाम क्या है? लिंब ब्रेकेज इज मेजर प्रॉब्लम इन किस में? आमला में। केवल एक लिख लेना, लिंब ब्रेक, अब कभी आए नहीं आए। सीड जर्मिनेशन, अब लिख देता हूं ये, बीज अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए किसका उपयोग करोगे? GA3। कितना उपयोग करोगे? 500 ppm। कितना करोगे? 500 ppm। जनरली अब यहां आते हैं, जनरली गुरुजी बीजों के अंकुरण के लिए किसका उपयोग करेंगे? GA3। किसका उपयोग करेंगे? इसे अंकुरित हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। कौन ऐसा हार्मोन है जो अंकुरण करवाता है बताओ? 5 हार्मोन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA और इथाइलिन। कौन है? GA3। किस एंजाइम की सहायता से करेगा? तो एंजाइम जो सहायता करते हैं अंकुरण में, उसका नाम है अल्फा एमाइलेज। नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है इसका? अल्फा एमाइलेज। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछते हैं, अल्फा एमाइलेज किस पे वर्क करता है, किस पे? तो ये करते हैं मंड पे। मंड को बोलते हैं अंग्रेज लोग स्टार्च। क्या बोलते हैं? तो स्टार्च जो होता है ना,
उस जैसे देखो जितने बीज होते हैं जनरली उसमें अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन होते हैं? आपको सर पढ़ाते होंगे कौन जिम्मेदार है? कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट पे सक्रिय कौन होता है? एंजाइम का नाम कौन है? अल्फा एमाइलेज। और इसको सिंथेसाइज कौन करने का हार्मोन प्रेरित होता है? GA3। कौन है? GA3। तो ये GA3। अब सर कुछ और केमिकल है जो अंकुरण करवाते हैं तो थोड़ा पूरी डिटेल ही बता दो। तो है ना थायो यूरिया। कौन सा है बताओ? थायो, गलत लिख दिया, क्या है? थायो यूरिया। थायो यूरिया का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो आप? आलू में करते हैं थायो यूरिया, प्याज में हम करते हैं थायो यूरिया, कॉर्न में हम करते हैं थायो यूरिया, बेर में करते हैं हम थायो यूरिया। ऐसे जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे लास्ट जाते जाते आपको खत्म कहानी। तो यहाँ क्या करते हैं? थायो यूरिया। एक और केमिकल है जो अंकुरण में सहायता करता है जिसका नाम है बाप। बाप क्या है? साइटोकाइनिन, बेंजाइल एडेनिन प्यूरिन इसका नाम है। ये भी कॉर्म में डोरमेंसी को तोड़ने के लिए सहायता करता है जिसका नाम क्या है? BAP, बाप। क्या है? बाप। ठीक है, चलो अब आते हैं बडिंग टाइम। तो बडिंग टाइम ये करवा दिया आप अपने, वो भी फरवरी मार्च याद रखेंगे तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं, करवा दिया। प्लांटिंग टाइम, मैंने आंवला का हर प्रश्न का आंसर क्या बताया? फरवरी मार्च, तो ये भी नहीं लिखना है। ट्रेनिंग अभी करवा दिया हूं, कौन सी तना से करोगे? सिंगल तना। कौन सी तना से करेंगे? सिंगल तना। तो सिंगल तना हो गया। मोड ऑफ पोलिनेशन, परागण किसके द्वारा? हवा। करवा दिया नहीं सारे, तो इसको ये नहीं कि सर ये तो स्लाइड आपने इंग्लिश में ले आया था, करा दिया हूं लिख के। अब आगे आते हैं, अब आ गया इसका क्या वेराइटी, क्या आ गया? खत्म कर दूंगा, एकदम फिक्स टाइम है वो, हम अपने एक साथ एक बार ऐसे स्लेटर दबाऊंगा, कीट आ गए रे, खत्म हो गए, खत्म हो जाएंगे, सब तरह के ज्ञान है। अब आ जाते हैं वेराइटी। वेराइटी में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो समझा देता हूं, आप लोग सारे कॉपी पेन पे लिख लेना, इससे ज्यादा इसकी वेराइटी नहीं आएंगे। और इस बार इसमें चेंज करना थोड़ा सा, अपने सार में एक क्वेश्चन गलत है, चवन फ्रास। अरे सर हम लोग तो प्रास खाते थे, आप फ्रास लिख रहे हो, तो आज के बाद खाओगे चवन फ्रास। क्या खाओगे? चवन फ्रास। तो चवन फ्रास खाते हैं। तीन इंपोर्टेंट वेराइटी है इसका, कौन कौन तीन इंपोर्टेंट वेराइटी है लिख देता हूं। सबसे पहले च से आया चकैया, च से कौन सी वेराइटी है? चकैया। अगर एग्जाम में पूछे चकैया किसकी वेराइटी है? आमला की। किसकी है? कौन सा, क्या खाओगे बताओ? चवन फ्रास। और ब से बना बनारसी। सर इसको इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं, हिंदी में लिखना है। च से चकैया, ब से बनारसी, और फ से आ गया ये, फ से आ गया फ्रांसिस। आज माइक खराब कर दिया, इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाया है नरेंद्र। बताओ चकैया, बनारसी और फ्रांसिस, तीन याद हो गए। बताओ आंवला के तीन मुख्य वेराइटी का नाम बताओ, चकैया, बनारसी और फ्रांसिस। अब इसी से चयनित किया गया, चकैया से चयनित किया गया है वेराइटी का नाम है NA4। क्या नाम है? याद अभी कर लेंगे, अभी तो तू देखते रहो। चार के बाद दो बढ़ा दो, चार दो छः, छः दो आठ, चार दो छः, छः दो आठ। चार किस में? चकैया में। चार किस में? चकैया में। चार के बाद छः, छः के बाद, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? NA4 किससे चयनित किया गया? ऑप्शन यही आएगा, चकैया, बनारसी, फ्रांसिस। तो किससे किया गया? चकैया। कैसे? च से चकैया, च से चार, च से चकैया, च से चकैया का नाम है कंचन, इधर आना बेटी। चकैया का नाम क्या है? कंचन। क्या नाम है? और NA6 को क्या कहते हैं? NA6 का नाम क्या है? NA6 लिखवाया हूं क्या? देखा ना,
हमने याद करवाया। अमृत, क्या नाम है? अमृत। तो ये ध्यान रखना, NA6 का नाम क्या है? अमृत। लिख देता हूं, सबका नाम याद नहीं रखना है, इसका भी नहीं रखोगे। और सार में ना NA7 को दिया होगा अमृत, है ना? थोड़ा चेंज करना। अब आ जाओ, अब इधर इसका याद कराता हूं। अब सर एने का मतलब नहीं बताओगे गुरुजी, तो एने का मतलब होता है नरेंद्र आमला। एने का मतलब नरेंद्र आमला, बताओ एने का मतलब नरेंद्र आमला। तो नरेंद्र आमला 5 को 2 से गुना कर दो, 10, NA5, NA10 और NA7। ये चेंज करना बुक में, है ना? चेंजिंग थोड़ी सी मिस्टेक ये है, NA7। हालांकि जब मैं पढ़ा था तो ऐसे था, पता नहीं अब ऐसे क्यों हो गया। NA7, टीचर पढ़ना बंद कर देगा, मार्केट से विलुप्त हो जाएगा। मैं रोज कहता हूं, जितने आप मेहनत करते हो उतना ही अगर मैं करूंगा ना तो मार्केट में बने रहोगे, नहीं तो खत्म कहानी आपकी। अगला चले NA7। अगला क्या आ गया? NA9। अब देखो गलती कहां है। NA7 का नाम बुक में ये लिखा है नीलम, है ना? ये क्या नाम लिखा हुआ है? नीलम। हम न से नीलम, न से नौ ऐसे करवाते थे, पर चेंज करना है, नीलम इसको लिख देना है। और ये हो गए अपना कृष्णा, इसका नाम क्या है? कृष्णा। एक और 10 वाले का नाम देखो, बलवंत या कुछ होगा, बलवंत। सारे नाम तो याद नहीं करना है अपने, नहीं दिया है 10 का नाम ने। चलो इतना ही से प्रश्न आ जाएंगे। पूछेगा कि NA4 किसका सिलेक्शन है? चकैया का। NA5 किसका है बताओ? बनारसी। कैसे याद रखोगे? चकैया का कौन कौन है गुरुजी? 4, 6, 8। कौन है? 4, 6, 8। और बनारसी का कौन है? 5 और 10। बनारसी का 5 और 10। कन्फ्यूजन होंगे यहाँ 7 में और यहाँ 9 में। 9 किसका है? फ्रांसिस। 9 किसका है? फ्रांसिस। 9 किसका है? फ्रांसिस। अब आते हैं, आमला में एक बीमारी होता है जिसका नाम है आंतरिक उत्तक क्षय। विकार का नाम क्या है? आंतरिक उत्तक क्षय, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल नेक्रोसिस। क्या बोलते हो बताओ? इंटरनल नेक्रोसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप जानते हो नेक्रोसिस किससे होते हैं? बोरोन की कमी के कारण। किससे होते हैं? बोरोन की कमी के कारण। किसमें होते हैं गुरुजी? असे आम, असे अनार, असे अंगूर, असे अंजीर, असे आमला, असे ले। कितना अच्छा है, इन सब में होता है क्या? नेक्रोसिस। और सब में कमी का कारण क्या है? बोरोन। असे आम, असे अनार, असे अंगूर, असे अंजीर, असे आमला, इन सब में क्या होता है? नेक्रोसिस। तो ऐसा नहीं, कहीं कहीं देख हिंदी वाले कितना भी हेल्प किया ना बेचारा। तो हमारे ट्रिक ऐसे बनते हैं, हम ऐसा नहीं बनाता हूं कि पूनम ने नैना को ले गया, अब उसमें कंफ्यूज हो जाता हूं कौन सी किस ट्रिक कहां लगाना है। तो ज्यादा ट्रिक भी खतरनाक है। अब देखो, ये होते हैं फ्री फ्रॉम नेक्रोसिस। इसका मतलब क्या है बताना जरा, हिंदी वाले बताओगे? फ्री फ्रॉम नेक्रोसिस का मतलब प्रतिरोध है, कह सकते हो। क्या बोलोगे? प्रतिरोध है, फ्री है, इसमें ये बीमारी नहीं लगेंगे। किसमें नहीं लगेगा? चकैया में। किसमें नहीं लगेगा? अगर आपसे पूछा जाए, मैं फिर से बोल देता हूं, NA4 किससे चयनित किया गया है? चकैया से चयनित। कैसे है बताओ? किससे चयनित है? चकैया। NA6 किससे चयनित है? चकैया। NA6 का सबसे अच्छा बनता है इसका प्रश्न कैंडी। अगर पूछा जाए कैंडी बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन है, तो NA6। कौन है? NA6 किससे चयनित किया गया है? चकैया से। अब आता हूं मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है बनारसी। कौन सी है बताओ? मुरब्बा सबसे अच्छा किसका बनेगा? बनारसी का। मुरब्बा सबसे अच्छा किसका बनेगा? बनारसी। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित होता है, सर्वाधिक नेक्रोसिस
प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, या हम कह सकते हैं ससेप्टेबल, ससेप्टेबल टुवर्ड्स किसके, नेक्रोसिस। सबसे ज्यादा रोग नेक्रोसिस का किसको सताता है बेचारे को, फ्रांसिस। और इसी का दूसरा नाम है हाथी झूल। क्या बोलते हैं इसको बताओ, हाथी झूल किसे कहते हैं, फ्रांसिस को। अब एक कहानी यहां बचा हुआ है, पुराने लोग तो सुन चुके हो आप, साई बियरर। नहीं समझ में आया ना, इसलिए कहानी बताना पड़ता है। जैसे एक लड़का एक लड़की को फिर आ गया सर, लड़का लड़की ये आते रहेंगे पागल, हर क्लास में दो बार लड़का लड़की आना है, अब आना भी चाहिए। देखो एक लड़का है जिसका शादी होने वाला है, वो आज जा रहा है लड़की को देखने, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ पुराने लोग बोर हो जाएंगे एक मिनट में। तो शादी में गया लड़की को देखने, लड़की को देखने गया तो फोन कर दिया पहले से, मैं आ रहा हूँ आज देखने, बात तो हो ही रहे थे। तो बोला तुझे क्या दिखाना गधेड़े, रोज तो दिखा रही हूँ। तो लड़की बोलेगी लड़का को कि तुझे क्या दिखाना गधेड़े, रोज तो देख ही रहा है तू, मिल रहे हैं फतेह सागर में, तुझे क्या देखना। तो अरे पापा अंकल उंकल सब आ रहे हैं, थोड़ा सब बन के आना। तो लड़की एकदम आराम से बनारसी साड़ी पहन करके, देखता होगा मूवी में कैसे दिखाते हैं, ऐसे थाली का प्लेट लेकर, पहली बार जो साड़ी पहनेगी ना वो प्लेट उलेट लेते हुए गिर जाएगी, क्योंकि चलने में भी नहीं बनते हैं, दिक्कत होते हैं। कई प्लेट उलेट लेके ऐसे आई, तो गलती कर दिया मैंने कहानी, ये लड़की ऐसी थी ना जो पहले कभी नहीं मिली थी, ये लड़की ऐसी थी जो पहले कभी नहीं मिली थी, पहले के साथी। आज के पापा से पूछना कि पापा लड़की देखे थे आप, पापा बोले हैं नहीं रे पागल, लड़की तो मैं शादी के 3-4 साल बाद देखा, पहले शादी में भी नहीं दिखाते थे, बस केवल ऐसे होके शादी उदी हो गया, तुम जाओ अब, हाँ जाऊँ, हाँ ठीक जा, फिर 3-4 साल बाद आना देखने के लिए, ऐसे शादी होते थे। तो पहले के जो शादी की बात करूँ, लड़की एकदम घूंघट दे के आई थी एकदम आराम से, तो लड़का गया देखने के लिए, तो देखा इधर उधर कुछ दिखा ही नहीं इसको, पूरा साड़ी पहने हुए। और दूसरा जो दोस्त था एकदम मन मचल रहा था कि दोस्त आएगा पूछूंगा भाभी जी कैसे हैं, ये है वो है। लड़का आया, दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा, अरे कैसी कैसी है बताओ बताओ, गधेड़े तेरे शादी होना है या मेरे, कैसी है कैसी। तो ये बोलेगा लड़का, अरे यार कुछ नहीं दिखा, क्यों, वो काफी कैसी थी, शर्मीली थी, कैसी थी, और शर्मीली को ना ऐसे बोलोगे, हम लोग कैसे बोलते, अरे यार लड़की शर्मीली है, सीबीएसई वाले कैसे बोलेगा, अंग्रेज लड़का को कैसे बोलेगा, साई थी लड़की, कैसी थी, साई नेचर थी। साई का मतलब तो शर्मीली से काम तो नहीं बनेगा, लड़की में फूल भी तो लगनी चाहिए, फल भी तो लगना चाहिए। तो फल कैसा था रे गधे, देखा ही नहीं रे, फल कैसा नहीं देखा, क्योंकि ये थी कैसी, शर्मीली, कैसी थी। तो इसको बोलते हैं साई बियरर, इसका मतलब ऐसे फूल या फल जो लगते तो हैं, लगेंगे पर ये ना पत्तियों में छुपे रहेंगे। आंवला में देखा होगा फल लगते हैं पर वो पत्ती पत्ती दिखेगा, लगेगा यार इसमें तो फल है ही नहीं, तो वो फल क्या है, पत्तियों से छुपे हुए हैं। तो उसका नेचर कैसा है बताओ, साई बियरर, कैसा बोलोगे, तो याद हो जाएगा कौन सी, बनारसी साड़ी वाली कैसी थी, शर्मीली, बनारसी साड़ी वाली शर्मीली। यही प्रश्न आते हैं इससे और कुछ नहीं आता है, एक बार मुझे जल्दी रिवीजन करा दो, बताओ कितने वैरायटी है, 3 वैरायटी, कौन कौन, चकैया, बनारसी और फ्रांसी। सबसे अच्छा मुरब्बा किससे बनता है, बनारसी। पूछे जाए कृष्णा किससे चयनित है, तो कृष्णा किससे है, चयनित। कंचन किससे है बताओ, चकैया, चकैया वाला, च से चकैया, च से चार, चार छ आठ, पाँच दस, पाँच दस, और यहाँ कौन है, 9। सबसे ज्यादा बीमारी किस में लगेगा, इसी में। फ्रांसिस का दूसरा नाम क्या है, हाथी झूल, क्या है नाम, हाथी झूल। किससे ज्यादा अच्छा कैंडी बनता है, Na6। उसके बाद प्रतिरोध कौन है नेक्रोसिस का, चकैया, कौन है, चकैया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके कहानी। अब हम आते हैं बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए, सबसे अच्छा Na4, Na10 ये करवा दिया, 9 ये मुरब्बा है। मुरब्बा का TSS कितना होता है बताओ, आपको मैंने बताया था एक तो जेली और एक जैम। एक मुरब्बा को बोलते हैं प्रिजर्व, अंग्रेज लोग क्या बोलता है, प्रिजर्व मुरब्बा को, और इससे कठोर होता है कैंडी। इससे कठोर क्या है, सबसे तरल कौन है, जेली, इधर आना बेटी, जेली, तो जेली।
नाम बड़ा है, जैम जेली में देखना बड़ा कंफ्यूजन, जैम कम हेयर, जैम नाम खत्म, जैम नाम खत्म, नाम खत्म, टीएसएस बड़ा होते हैं, नाम छोटा टीएसएस बड़ा, जेली जेली 65, नाम बड़ा टीएसएस कम, नाम बड़ा टीएसएस कम। अब ऐसे ये तो हो गया ट्रिक विधि, दूसरा होता है साइंटिफिक विधि, जो तरल हो रहे हैं, देखो जेली तरल है, इन चारों में सबसे मुलायम कौन है, जेली, बोलने से ही लग रहा है जेली मुलायम है, कौन जेली, टीएसएस 65, ये 68, मुरब्बा 70 मुरब्बा कैसा 70, कैंडी और टाइट है, सूखा चाशनी जो होते हैं ना, चॉकलेट खाते हो कैंडी, सूखा चाशनी कैंडी कहलाता है, इसकी टीएसएस और ज्यादा 75, सबसे ज्यादा टीएसएस किसका, कैंडी का, सबसे कम इधर किसका, जेली, इन चारों की बात किया तो याद हो गया, जेली जैम मुरब्बा कैंडी, जेली जैम मुरब्बा, सबसे कम किसका, जेली, जेली और जैम में कंफ्यूजन होंगे तो दूर कर लोगे, जैम अच्छा सर छोटका नाम बड़ा होगा कितना 68, कितना होगा 68, हाथी झूल फ्रांसिस पढ़ा चुका हूं, ये इसको चेंज कर लोगे ना, इसका यहाँ क्या आ जाएगा अब 9, क्या आएंगे 9 प्रसंस्करण के लिए। अन्य वैरायटी के नाम याद कर ले, गोमा ऐश्वर्या बीकानेर से विकसित किया गया है, भवानी सागर बलवंत, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है बलवंत, ये याद रखना गोमा ऐश्वर्या, गोमा कृति किसकी वैरायटी है, अगर आ जाए गोमा कृति तो गोमा कृति आपको पढ़ा चुका हूं बेर की वैरायटी है, किसकी वैरायटी है, बेर की, और गोमा ऐश्वर्या किसकी वैरायटी है, आंवला की, किसकी है, आंवला, आंवला में डिजीज पहले पढ़ा चुका हूं, कौन आएगा नेक्रोसिस, आंवला रस्ट, क्या आएगा आंवला रस्ट, आंवला रस्ट किससे होते हैं, कवक से, कवक का नाम क्या है, रोवेनेलिया इम्बलिका, क्या नाम है, रोवेनेलिया इम्बलिका, और ये किसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा, मैं अभी बताया हूं किसको ग्रसित करेगा सबसे ज्यादा, ये ग्रसित करेगा किसको, फ्रांसिस को, किसको, ससेप्टेबल किसके थ्रू है बताओ, फ्रांसिस का, द मोस्ट सीरियस डिजीज है फ्रांसिस में, ये है आंवला रस्ट, क्या है ये, आंवला रस्ट। अब हम बात करेंगे दोस्त ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड जो होते हैं ना इस तरह के ब्लू ब्लू, ये भी एक तरह के मोल्ड है, एक्चुअल में ये कवक के ही प्रकार है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोल्ड, ये लगते हैं स्टोरेज में, आंवला के भंडारण में, देखा होगा ये कहां लगेंगे, अगर इस आंवला को आप फ्रिज में डाल दो, डीप फ्रिज में डाल दो, 10-20 दिन डाल दोगे, नमी ज्यादा आ जाएगा, मैंने ट्रिक बताया था, नमी ज्यादा बीमारी ज्यादा, नमी ज्यादा बीमारी ज्यादा, इसलिए आपने देखा होगा जिस फल को सुखा के रखते हैं, गेहूं को सुखा के रखते हैं, चावल को सुखा के रखते हैं, बीमारी कम लगते हैं, लेकिन पपीता गीला है, तरबूज गीला है, खीरा गीला है, इसको रख दो 5 दिन में कवक बोलेगा चलता हूं तेरे पास, गीला है मैं आ रहा हूं, जहां बीमारी होगा नमी वहां ज्यादा होंगे, क्या होंगे, नमी ज्यादा, तो ये ध्यान रखना बीमारी ज्यादा कहां होगी, जहां नमी ज्यादा होंगे, राजस्थान के क्षेत्रों में बीमारी कम होते हैं, कारण यहाँ सूखा प्रदेश है, जहां बीमारी कहां, वेस्ट बंगाल, जहां पानी खूब चलते रहते हैं, देखता होगा ज्यादा तुम बीमार कम पड़ते हो, बारिश के मौसम में, कब पड़ते हैं जानवर ज्यादा बीमार, कब पड़ते हैं बारिश के मौसम में, क्यों, जहां नमी वहां बीमारी, जहां नमी वहां बीमारी। दूसरा और रीजन होते हैं, वायुमंडल में अगर नमी ज्यादा है तो हमारे मस्तिष्क पे वायुमंडल का दाब क्या पड़ेगा, ज्यादा, वायुमंडल दाब क्या होते हैं, वायु की दाब, क्या कहलाता है, वायुमंडल दाब, अभी सूखा हवा है तो हमारे दिमाग पे ना कम लोड पड़ रहे हैं, यही हवा गीला हो जाएगा तो ये सारे गैस ऊपर, जितना छत के ऊपर नहीं रे पागल, ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक, ये सारे गैस जब बाहर चलोगे ना इसे, तो सब गैस तुम पे आके एक दाब लगा रहा हो, अरे सर ये गैस अभी नहीं आ रहे, गैस हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाएंगे, कहाँ उठ जाएंगे, ऊपर, हरे राम यहाँ जा रहा है तो अभी गैस बोलेगा अच्छा हरे राम मिलूंगा तुमसे गर्मियों में, तो सॉरी सर्दियों में, तो गर्मी में देखता होगा हवा ऊपर रहते हैं, क्यों, हल्का के कारण, तो इस इंसान पे दाब क्या लग रहा है, कम, गर्मी में बीमार क्या पड़ते हैं, कम, बारिश में नमी बढ़ गया और उतनी हवा का नमी इस टकले माथे पे पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे दाब क्या लगेगा, ज्यादा, तो छी ऐसे देखता होगा छिक छाक कब आते हैं, खखार, ये सब कब आएंगे, सर्दियों में, किसके कारण, वायुमंडल दाब के कारण। आगे चल जाए ब्लू मोल्ड, तो ब्लू मोल्ड बीमारी ज्यादा होगा, कौन सा डिजीज है, भंडारण का,
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अभी आपको समझा दिया क्या क्या है बताओ, फ्रूट नेक्रोसिस किसके कारण होगा, बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण, किस में सबसे ज्यादा होगा, फ्रांसिस में, किस में नहीं होगा, चकैया में, चकैया में नहीं होंगे। अब हम तीन पेस्टों की बात करते हैं, पेस्ट देखो सब में ये मिल रहा है तुझे, छाल खाने वाला, तो मैंने तुझे बताया अ से आम, अ से अनार, अ से अंजीर, अ से आंवला और अ से इन सब में मिलते हैं बार, एक और अ बच गया, अ से अमरूद, याद हो गया ना, सब में ये कीट पाए जाते हैं, अ से आम, अ से अनार, अ से अंजीर, अ से आंवला, अ से अंगूर, अ से अमरूद। अच्छा सर इंग्लिश वाले बोलेगा मुझे अंजीर नहीं समझ में आ रहा है, मैंगो, पोमग्रेनेट, अंजीर को फिग कहते हैं, आंवला को आंवला ही कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन गूजबेरी कहते हैं, मायरोबलन कहते हैं, मलान का ट्री कहते हैं, इसे ग्रेप्स कहते हैं, इसे ग्वाभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सूट गॉल मेकर, ये स्टार लगा लेना, सूट का मतलब क्या होता है, तना को छेदने वाला, तो सूट गॉल, अ लीफ ईटिंग कैटरपिलर, पत्तियों को जो खाएगा वो क्या है, तो ये तीन पेस्ट हो गए आपको, आपको केवल याद रखना है सूट गॉल क्या है बताओ, सूट गॉल। चलो आगे, बार के ईटिंग कैटरपिलर है, चार बार पढ़ा दिया, देखो ये छाल में सूट गॉल है, इसे तना को ही छेद करके ऐसे, तो ये क्या हो गया, सूट गॉल, कैसे, इसको या तो निकाल यहां से बारह, फिर यहाँ केरोसिना डाल, मट डाल, कीचड़ डाल, वो सब में एक ट्रीटमेंट करते रहोगे, ये सारे मैं यहाँ लिख दिया हूँ। चले आगे, लीफ हीटिंग, ये पत्तियों को खाता रहेगा, ये क्या है, इसका लार्वा, क्या है, लार्वा, ये अपने लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं और किसी के लिए भी इतना ज्यादा नहीं, ये एंटोमोलॉजी अलग से जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ा दूंगा मैं। तो ये हो गया आज की सेवाएं आपके समाप्त, कंप्लीट जिसको बोलते हैं आंवला, आंवला का हमने पूरा कर लिया। मिलेंगे आपके साथ दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज की जो लाइव क्लास होंगे वो होंगे हमारे सहायक कृषि अधिकारी WAO दिनेश पवार सर की, हमारा दुर्भाग्य से कल क्लास नहीं हुआ, हमें बहुत मुश्किल से क्लास मिलते हैं, तो आज क्लास अपने नहीं होंगे, आप लोग जरूर ज्वाइन करें, कितने 9 बजे, ठीक है। अब आप ऑनलाइन वाले भाई साहब कैसा लगा क्लास, जरा आप लोग बता दें, समाप्त हो गए।